हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर अश्वेज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन कंडीशन, एक स्किन एलिमेंट रिंग वॉर्म के बारे में। तो नॉर्मल भाषा में इसको दांत खाज खुजली करके बहुत सारी कंबाइंड कंडीशन हो जाती है, लेकिन जो रिंग वॉर्म होती है ये किसी वॉर्म से नहीं होती है। रिंग वॉर्म एक फंगल इन्फेक्शन है जिसको मेडिकल टर्म में टीनिया बोला जाता है। तो आज हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि रिंग वॉर्म क्यों होता है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या आप कैसे पता करेंगे कि ये रिंग वॉर्म है, इसका होम मैनेजमेंट क्या है और इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं रिंग वॉर्म की। तो रिंग वॉर्म होता है अगर आपके शरीर पे सिक्के जैसे छोटे छोटे से चकत्ते से पड़ जाते हैं, और स्पेशली जो अंदर वाला एरिया होता है वो पेल होता है या वाइटिश होता है, बट जो आउटर सर्कल होता है वो काफ़ी ज़्यादा रेडिश होता है। बहुत सारे केसेस में रिंग वॉर्म में इचिंग होती है, बहुत सारे नॉन इचिंग वाले रिंग वॉर्म भी होते हैं। तो रिंग वॉर्म एक बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस स्किन कंडीशन है, मतलब अगर आपको है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप से दूसरे को हो सकता है या एक फैमिली में सारे मेंबर्स को भी फैल सकता है। तो बेसिकली दिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ योर हाइजीन। हाइजीन को मेंटेन करना है, अगर आप हाइजीन को मेंटेन करेंगे तो ये अपने आप प्रॉब्लम चली जाती है, और अगर नहीं जाती है तो उसके लिए कुछ मेडिसिन हैं जो ली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं रिंग वॉर्म के। तो रिंग वॉर्म बेसिकली एक स्किन इन्फेक्शन है, तो ये फंगल इन्फेक्शन है। तो ये फंगस चाहे किसी भी सोर्स से आपको आ जाता हो, नंगे पाँव चलते हैं वहाँ से आ सकता हो, या आप कैट डॉग जो भी पेट्स हैं उनको हैंडल करते हो उसके बाद वॉश नहीं किया उसके बाद आ सकता है, या किसी को अगर ये रिंग वॉर्म की प्रॉब्लम है उसे आपने क्लोथ टॉवल कंघी कैप हैट कुछ भी अगर शेयर किया तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कंडीशन जो देखी जाती है वो द टॉवल से, अगर आपने टॉवल शेयर किया किसी के साथ या जिसको रिंग वॉर्म की प्रॉब्लम से टॉवल शेयर किया तब हो सकती है। या आपने ऐसे कपड़े पहने जो पूरी तरह से सूखे नहीं हुए, डैम्प क्लोथ्स पहने हैं, उसके कारण आपको रिंग वॉर्म की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डैम्पनेस में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। तो ये जो रिंग वॉर्म होता है यानी जो टीनिया होता है डेवलप करता है डेड सेल्स पे। तो हमारे स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं अगर वो निकलते नहीं हैं तो उनके ऊपर कई बार इन्फेक्शन अगर आ जाता है तो सेल्स जो है वो जो टीनिया होता है उनके ऊपर डेवलप करना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, सिम्टम्स इसके सिम्टम्स हैं कि इसमें इचिंग हो सकती है, इचिंग नहीं हो सकती है, कुछ पैचेस दिखते हैं, कई बार फेस पे होते हैं, बॉडी पे होते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो टीनिया होता है इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है टीनिया कॉर्पोरिस, जिसमें पूरी बॉडी में आपको दांत की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी है टीनिया कैपिटिस, जिसमें मोस्टली जो आपका हेड पार्ट होता है वो अफेक्टेड होता है, ये बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स होता है टीनिया पेडिस, यानी पैरों का, जो लोग जिनका पानी में चलने का ज़्यादा काम होता है उनको टीनिया पेडिस की प्रॉब्लम हो सकती है। या टीनिया क्रूरिस, जिसमें जॉक इच भी जिसको बोला जाता है, जो अंडरवियर वाली एरिया में हो जाता है, अंडर गारमेंट्स जहाँ पे पहनते हैं वहाँ पे हो जाता है। या इसके अलावा टीनिया बारबेई, जिसमें आपके जॉक जिसको बार-बार इच भी बोलते हैं, जो आपके दाढ़ी वाली एरिया में हो जाता है उनको बोलते हैं। तो ये सारी इसकी कैटेगरीज हो गई। तो फ्रेंड्स, जो टीनिया कॉर्पोरिस होता है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि अगर एक बार आपको बॉडी में इन्फेक्शन हो तो पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। इसका मैनेजमेंट बहुत आसान है, अगर आप हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो बहुत ईजिली आप इसको डील कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं आप उसको देखें और उसको हटाएं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई पेट है तो वो पूरी तरह से क्लीन है कि नहीं है, या अगर उसको हैंडल करने के बाद अपने हाथों को सोप से ज़रूर वॉश करें। अगर आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम है तो उनके साथ जो है उनके क्लोथ वगैरह नहीं शेयर करें। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप अपनी जो कॉम है, जो आपकी पर्सनल हाइजीन वाली चीज़ें हैं, जो परफ्यूम है या जो सोप्स वगैरह हैं वो आपको जो सूट करते हैं वही यूज़ करें। और स्पेशली जो वेट एरियाज़ हैं जहाँ पे पर्सपिरेशन या पसीना ज़्यादा आपको आता है वहाँ पे टैल्कम पाउडर ज़रूर यूज़ करें। इसके अलावा अपने कपड़ों को रेगुलर सनलाइट में ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि अगर आप सनलाइट नहीं दिखाएंगे तो उनके अंदर फंगस डेवलप होने लगता है। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इग्नोर रह जाती है वो है शूज़ को आपको सनलाइट ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि टीनिया पेडिस होने का चांस यहाँ से भी बढ़ सकता है। पैरों में जो डैम्पनेस होती है, जो शूज़ में जो डैम्पनेस हो सकती है, उसके कारण आपको पैरों का दांत खाज खुजली हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी होम ट्रीटमेंट की। तो इसका होम ट्रीटमेंट बहुत आसान है कि जहाँ जहाँ पे भी आपको ये टीनिया की प्रॉब्लम दिख रही है वहाँ पे आपको थोड़े से गुनगुने पानी में सेंधा नमक डाल के वॉश करना है। ये बहुत ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल एक्शन इसका होता है, जितने भी फंगल जो वहाँ पे इन्फेस्ट कर रहे थे वो निकल जाते हैं।
इसके अलावा एप्पल सिडार विनेगर, ये जो विनेगर एप्पल का सिरका होता है, उसके ड्रॉप्स को थोड़े से पानी में मिला के मिक्स करके अगर आप टच करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा लगाते हैं उन जगहों पे जहाँ पे आपको ये दांत की प्रॉब्लम है, रिंग्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और याद रखें कि जहाँ पे भी आपको टीने की प्रॉब्लम है, रात में सोने के टाइम पे आप उसको ऊपर नहीं छोड़ें, आप उस पर या तो आप एलोवेरा जेल लगा के रखें या एक मेडिसिन जो अभी मैं बताऊँगी आगे वीडियो में, वो भी आप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मैनेजमेंट टीनिया का क्या है। तो होम्योपैथिक मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा है। सबसे पहली मेडिसिन जो हम देते हैं ज़्यादातर रिंगवर्म के केसेस में, वो है बेसिलाइनम। फ्रेंड्स, तो बेसिलाइनम को 200 पोटेंसी में एक डोज लेनी है, वीक में सिर्फ एक बार। ध्यान रखें कि बेसिलाइनम 200 की 3 से 4 ड्रॉप्स सिर्फ एक बार आपको लेनी है वीक में। मींस कि संडे टू संडे अगर आप ले रहे हैं, तो एक संडे को बेसिलाइनम 200 की 3 से 4 बूंदे आपने ले ली, अब नेक्स्ट संडे ही आपको 3 से 4 बूंदे एक बार और लेनी है। इसके साथ जो मेडिसिन जाती है वो है CPR-30। तो CPR-30 दिन में 3 बार आपको लेनी है, और ये दोनों मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं ठीक होती है, तो आपको सिर्फ 2 मेडिसिन लेनी है, एक है हाइड्रोकोटाइल और एक है टिलूरियम। हाइड्रोकोटाइल को तब लेना है अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, जो दाद के निशान है उसे इचिंग कर करके ब्लीडिंग हो जा रही है, बहुत ज़्यादा आपको सीवियर इचिंग हो रही है। इवन कुछ लोग तो हैं जो कॉम से इचिंग करने लगते हैं या ब्रश लेकर इचिंग करते हैं, तो अगर सीवियर इचिंग हो रही है तो उन केसेस में आपको हाइड्रोकोटाइल लेनी है। हाइड्रोकोटाइल की भी 30 पोटेंसी दिन में 3 बार आपको लेनी है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इचिंग बिल्कुल भी नहीं होते, सिर्फ उनको दाद होते हैं, बॉडी पे दिखते हैं लेकिन कोई सिम्टम्स, कोई इचिंग ऐसा बर्निंग वगैरह नहीं होती है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको लेनी है टिल्यूरियम 30। टिल्यूरियम 30 की 3 से 4 बूंदे दिन में 3 बार आपको लेनी है, और इससे आपकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो रिंग वॉर्म की प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंटली आपको बार बार वापस आती रहती है। एक बार आपने ट्रीटमेंट लिया, 1-2 महीने बाद फिर से वो प्रॉब्लम वापस आ जाती है, तो उन केसेस में हम देते हैं सल्फर 1 mg। सल्फर 1 mg लेनी है अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार आती है, तो सल्फर 1 mg की एक डोज लेनी है 15 डेज में सिर्फ एक बार। तो फ्रेंड्स, अगेन मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले अगर आपको रिंगवर्म की प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको बेसिलाइनम 200 संडे टू संडे लेना शुरू कर देना, 3-4 ड्रॉप्स। उसके अलावा आपको लेनी है सीपिया। इन दोनों से ही प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर नहीं होती तो, अगर इचिंग वाले हैं तो आप हाइड्रोकोटाइल ले लें, अगर नॉन इचिंग वाले हैं तो आप टिलियरम ले लें। इसके अलावा आपको लेनी है ओलियम जैक। ओलियन जैक की मदर टिंचर को आपको वैसलीन में मिला के रखना है, और जब भी आप सोने के टाइम पे लेटे हैं या दोपहर में जब आप लेटे हैं, जब भी आप रेस्टिंग पोजीशन में हो, तो जो स्पॉट्स आपके उस पर बने हुए हैं, हाथ पे, बॉडी पे, कहीं भी बने हुए हैं, वहाँ पे उसको अप्लाई करना है और धीरे धीरे से रब करना है। पूरी तरह से ऑब्जॉर्व हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको ये रिंगवर्म की प्रॉब्लम से आराम मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिंगवॉर्म को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि उसका कॉज ख़त्म करना, क्योंकि अगर आप रिंगवॉर्म के ख़त्म करने के मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन रीज़न नहीं आपने क्लियर किया, कॉज आपको नहीं पता है और कॉज पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो ठीक नहीं होगी। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर कॉज देख रहे हैं, पेट से दूर रहना है, एक्सरसाइज करना है, वेट कम करना है, परस्पिरेशन होता है तो उसको ठीक करना है, उसको क्लीन करना है, टैल्क लगाना है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, इसके साथ साथ में आपको ये मेडिसिन लेनी है, तो बहुत जल्दी आपको फ़र्क पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रिंग वॉर्म के बारे में। आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस टॉपिक पे आपसे शेयर किया आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे कि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द ही मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।